राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीना ढोलक संगीत में। आज मैं आप लोगों के लिए कोई भजन और ढोलक का लेसन लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आप लोगों से बहुत ही जरूरी बातें करने आई हूँ। आप लोग सुनिए, आप ही के काम की बातें हैं। तो आज मैं इसके लिए आप लोग को सबको बोली हूँ कि सब फ्रेंड हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं। आप सभी को पता है कि हमारा चैनल अभी अभी मोनिटाइज हुआ है, तो आप सबका जो साथ मिला जिसके कारण ये सफल हो पाया है। और इस दौरान में मुझे एक साल लगा, इस दौरान में मुझे बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ी है। आप सभी जानते हैं कितना परेशानी होती है 1K सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा करने के लिए कितना समय लगता है। तो मैं ये सब कैसे कैसे की परेशानी तो हुई, लेकिन सफल हो गई। हमारी बहुत सारी फ्रेंड है ऐसे जो जिनका चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ है, वो बहुत परेशान है। और कितने सालों से वो YouTube पे हैं, 2 साल 3 साल 5 साल 10 महीने 8 महीने, लेकिन उनका चैनल ग्रो नहीं हुआ, मोनिटाइज नहीं हुआ। तो जब ऐसा मोनिटाइज मेरा चैनल हुआ तो उन्होंने हमें बधाई दी और फिर वो परेशानी अपना भी बताए और पूछे हमसे कि कैसे हुआ, क्या किया आपने। हमारा बहुत सारे फ्रेंड का पर्सनली नंबर है, जो प्राइवेट नंबर है, पर्सनली हम उनसे बात करते हैं। फ्रेंड है तो दोनों तरफ से दोस्ती किए हैं, यूट्यूब पे है, बातचीत होती रहती है, तो उनकी समस्या समझ में आती है, वो अपनी समस्या बताते हैं, मैं भी बताती हूँ, बात करती हूँ। तो आज मैं यही सोची कि ये सब का जो समस्या निकल के आया है सभी का, इसका हल कैसे किया जाए, उसका हल लेके मैं आ जा रही हूँ आप लोगों के सामने। और आप लोग से भी बोलती हूँ, आप लोग भी सुनिए, इसको समझिए और जुड़िए हमसे, आप लोग का भी हेल्प होगा जिससे आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। मैं आगे आ गई, मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी आगे आइए, आप लोग का भी चैनल ग्रो हो, मोनिटाइज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं कितने सारे फ्रेंड के कमेंट, जब मैं स्टार्टिंग में थी मैं खुद बहुत परेशान थी, कितने सारे फ्रेंड के वीडियो पे जाके कमेंट ढूंढ ढूंढ के उनको मैं कमेंट करती थी कि आप आओ सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो देखो, ये सब करके मैं यहाँ तक पहुँची। तो मैं चाहती हूँ कि अब आप लोग को ऐसा कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़े, आप लोग का काम आसानी से हो जाए, मैं इसके लिए आप लोग से ये बात करने आई हूँ। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा तभी समझिएगा। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है और मैं चाहती हूँ कि आप सबका हेल्प करो। तो मैंने एक काम आज से शुरू किया है, मैं सोची कि चलो आप लोग को किसी तरह से हेल्प करूं, सबका साथ सबका विकास सबको लेके मैं आगे आई, तो आप लोग को भी आगे लाओ, मेरी यही इच्छा है। और मैं इसके लिए ये काम शुरू की हूँ, मैं काम शुरू ये की हूँ कि आज से मैं सबको हेल्प करूंगी जिनको भी हेल्प की ज़रूरत है, जिनको वीडियो अपना प्रमोशन कराना है मैं फ्री में करूंगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब मैं ये वीडियो आपका प्रमोशन करूंगी वीडियो में, तो उसके दूसरे दिन 2 दिन बाद आपको एक काम करना होगा, छोटा सा काम है, आप लोग एक छोटा सा वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दीजिए कि हाँ मैं, मेरा चैनल को रीना ढोलक संगीत से हेल्प हुआ है, उन्होंने हमें हेल्प किया है। आप लोग भी इनसे जुड़िए, जिनको हेल्प की ज़रूरत होगी वो ज़रूर हमसे जुड़ेंगे, आपका वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं सभी फ्रेंड को नहीं जानती हूँ, मेरे पास जितने फ्रेंड हैं मैं उतने को ही जानती हूँ, फिर मेरे अलग अलग फ्रेंड हैं, आपके अलग अलग फ्रेंड हैं, और हमारे जितने सारे फ्रेंड हैं सबका अलग अलग है, तो सबको हम एक बार में कैसे मालूम कराना चाहेंगे कि ये चीज़ हमने शुरू किया है, आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप आओ। तो इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है कि आप लोग क्या कीजिए, जिस समय मैं आपका वीडियो अपलोड, जैसे कि मैं आपका वीडियो मंडे को
अपने वीडियो अपलोड करूंगी आपका प्रमोशन वाला, उसके दो दिन बाद मंडे का पूरा जाएगा, ट्यूजडे का पूरा जाएगा, वेडनेसडे को सुबह आपको एक छोटा सा वीडियो अपलोड करना है कि हाँ रीना ढोलक संगीत ने हमें हेल्प किया है, आप लोग भी जाए इनसे जुड़े। इसके बीच में जितना भी मेरे व्यूवर हमसे जुड़ेंगे वो सबको मैं आपका उसमें आपका प्रमोशन होगा, आपके पास भी जाएंगे तो इससे क्या होगा, आपका भी ग्रो होगा। तो यही मैं सोची हूँ कि आप लोग से मैं ये बात करूँ, आप लोग को हेल्प करूँ। जिनको भी हेल्प की जरूरत है वो मुझे इसी वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि उनको प्रमोशन कराना है अपने चैनल का, तो मैं उनका प्रमोशन करूँगी। और उसके दो दिन बाद आपको एक वीडियो अपलोड करना है कि हाँ आप भी मेरा रीना ढोलक संगीत ने बहुत हेल्प किया है, आप लोग भी इनसे जुड़िए। इससे क्या होगा, जिनको मैं नहीं जानती हूँ, जो फ्रेंड बहुत तकलीफ में है, वो अगर आपका वीडियो देखते हैं तो आपके वीडियो से उनको मेरे तक पहुँचने में आसानी होगी और उनका भी हेल्प होगा। तो मैं यही सोच के ये काम आज से शुरू की हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड को मैं बोल रही हूँ, फ्रेंड बहुत तकलीफ में है, कितने तो वीडियो अपलोड करना छोड़ दिए हैं, बोलते ग्रो ही नहीं हो रहा है, परेशान हो गया हूँ। और आप जानते हैं कि YouTube पे वीडियो बनाने में कितना परेशानी होती है। हमारे कितने सारे फ्रेंड बोलते हैं मैम आप हमें एक घंटा दे दीजिए, आप बताइए मैं एक घंटा कैसे उनको दूँ। हमारे इतने सारे फ्रेंड हैं जिनके पास मैं रोज नहीं पहुँच पाती हूँ थोड़ा तो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आज अगर मैं उनके वीडियो पे नहीं पहुँची दो दिन बाद ही पहुँचूंगी। लेकिन हेल्प तो हमको सबको करना है ना, हमारे तो सभी फ्रेंड एक जैसे हैं, मैं तो किसी में भेदभाव नहीं करती हूँ। आपको एक घंटा दे दूँ और दूसरे फ्रेंड को कितना घंटा दूँ, मेरे पास कितना टाइम है कि मैं सबको एक एक घंटा अगर देगी तो कैसे होगा। तो इसके लिए मैं यही सब सोच के मैं आज से ये काम शुरू की हूँ कि जिनको भी हेल्प चाहिए अपना प्रमोशन कराना है चैनल का, तो वो हमारे इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, हम उनका हेल्प करेंगे, अपने वीडियो में प्रमोशन करेंगे। लेकिन दो दिन बाद, दो दिन ज़्यादा नहीं, दो ही दिन बाद आपको अपने चैनल पे एक वीडियो बना के अपलोड करना है। उसे क्या होगा कि जिनको मैं, जिस फ्रेंड को मैं नहीं जानती उनको आप जानते हैं, वो आपके जरिए हमसे जुड़ेंगे और फिर हम उनको हेल्प करेंगे, उनका भी चैनल ग्रो होगा। ये स्कीम है, मैं आप लोग का हेल्प करने का तरीका सोची हूँ। ऐसे पर्सनली हम कितने को हेल्प करेंगे, तो इसके लिए जिनको भी हेल्प की ज़रूरत है ये वीडियो देखिए, इसी वीडियो पे कमेंट कीजिए। और जो मैंने बताई है कि प्रमोशन के दूसरे दिन एक दिन छोड़ के आपको एक वीडियो बनाना है, ताकि उससे आपका फ्रेंड जो नया नया है वो, उनको भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो हमसे जुड़ेंगे। मैं एक टीचर थी फ्रेंड, आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन से पहले मैं टीचर का काम करती थी, अभी लॉकडाउन में घर पर बैठ गई, तो ये भी मैं जो ढोलक सिखाती हूँ ये एक टीचर का ही काम है। और गुरु ऐसे होते हैं कि उनको सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको, जिनका पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका, हर चीज़ अलग अलग है। अगर दो बच्चे एक साथ बैठे हैं तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंट है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई समझने में तेज है, कोई बोलने में तेज है, कोई किसी प्रकार का है, तो हमको सबको लेके आगे बढ़ना रहता है। और मैं वही काम सालों साल से कर रही थी अपने जिन लाइफ में, और आज मैं YouTube पर भी यही काम शुरू की हूँ। कोई अलग नहीं है और कोई दूसरा काम नहीं, मैं हेल्प करना चाहती हूँ। जिनको भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप इसी वीडियो पे कमेंट कीजिए। बहुत मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे फ्रेंड बहुत परेशानी में हैं और अफवाह भी बहुत होते हैं लाइफ में। मैं जाती हूँ, अभी मेरा चैनल मोनिटाइज हुआ, पहले मुझे भी नहीं पता होता था कि ये सब रूल है, ये सब
नियम है, ये सब क्या 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 है पता नहीं, लेकिन अब तो मेरा भी चैनल मोनिटाइज हो गया है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारी बातें अफवाह है, पर मैं ये सब चीज एक को बोलूंगी तो कोई मेरे पे बिलीव करेगा नहीं। मैं इसके लिए उनको कुछ बोलती नहीं, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं बोलूंगी तो उनको तकलीफ होगा, इसके लिए मैं उनको बोलती नहीं, जाने दो। जो आप लोग को ठीक लगे, आप लोग को जैसा अच्छा लगे कमेंट कीजिए, वो करते हैं। ये मत करो, मोनो के बाद ये हो जाता है, वो हो जाता है, लाइफ में बहुत सारे ऐसे अफवाह कमेंट आते हैं, तो ये सब को इग्नोर करती हूँ मैं, ये सब होते रहता है। लेकिन मैं जानती हूँ, अब मैं जानती हूँ कि क्या क्या होता है, क्या बात है क्या नहीं है। तो यही सब मैं सोच रही हूँ, आप लोग को समझाऊँ, आप लोग को हेल्प करूँ, और आप लोग का जो भी परेशानी है उसको समझ के मैं आप लोग का प्रमोशन करूँ। लेकिन मैं सबको चाहती हूँ कि एक जैसे प्रमोशन, एक जैसा हेल्प हो, तो ये कैसे होगा? क्योंकि अभी तो मैं सबके फ्रेंड को जानती नहीं हूँ, मेरे जितने हैं मैं उतने को ही जानती हूँ, मेरे अलग अलग हैं, आपके अलग अलग हैं। इसके लिए मैं बोलती कि आप जिनको भी प्रमोशन कराना है आपका, अगर मैं प्रमोशन कर रही हूँ तो आप आगे वाले को भी बोलिए कि हाँ आपको भी प्रमोशन की ज़रूरत है, तो आप रीना ढोलक संगीत चैनल पे जाइए, वो आपका हेल्प करेंगे। और तो कुछ नहीं, मैं तो बस इतनी सी बात बोल रही हूँ। तो आप लोग देखिए, समझिए इसको, अगर आप लोग को प्रमोशन कराना है तो हमारे इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए, और मैं आपका वीडियो का प्रमोशन करूंगी। फिर 2 दिन बाद आपको अपना वीडियो डालना है अपने चैनल पे। आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये काम मैं बहुत सोच समझ के की हूँ। सब इससे क्या होगा, सभी फ्रेंड को हेल्प होगा, जिनको भी हेल्प की जरूरत होगी उनको हेल्प होगा। किसी को कुछ पता नहीं है, नया नया सिस्टम निकालते रहते हैं, बताते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या। मैं तो सुन के खुद पक गई थी, लेकिन जाने दीजिए, अभी वो जैसा समय था वो निकल गया। मैं चाहती हूँ कि आगे जो हमने जो परेशानी झेले वो हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड नहीं झेले। YouTube प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अकेला कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, आपको कहीं ना कहीं किसी की जरूरत होगी ही, चाहे वो सब्सक्राइबर की हो, चाहे वो वॉच टाइम बढ़ाने की हो। आप लाइव करते हैं, जब तक आपका लाइव में फ्रेंड नहीं आएंगे तो लाइव करके आप कितना टाइम निकाल लेंगे? जब तक आपका सब्सक्राइबर पूरे नहीं होंगे, दूसरे कोई नहीं आएंगे, तब तक आपका सब्सक्राइबर पूरे कैसे होंगे? तो ये अकेला काम नहीं है, सबका साथ इसमें जरूरी है। तो इसके लिए मैं आप सबका हेल्प करना चाहती हूँ। मैं आगे आई हूँ, मुझे मालूम पड़ा ऐसे ऐसे होते हैं, तो मैंने यहाँ तक पहुँची ही, तो आप लोग को भी हेल्प करती हूँ, आप लोग को भी पहुँचाना चाहती हूँ। आप लोग को अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जिनको भी हेल्प की ज़रूरत हो वो इसी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर उनको कौन से दिन अब उनका प्रमोशन करूंगी वो मैं उनको सूचित कर दूंगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मैं आप लोग अपना साथ प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखें, जिस तरह से अपना साथ दिए हैं आगे भी देते रहें, और नए नए फ्रेंड हमसे जुड़िए, उनको मैं हेल्प कर पाऊँ। मैं कैसे आपको पहचानूंगी, आपको तो मैं जानती नहीं हूँ। अगर आप नए हैं, जब आप हमसे जुड़ेंगे नहीं, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे नहीं, तो मैं कैसे आपका हेल्प कर पाऊंगी? तो इसके लिए आप हमें बताइए, मैं आपका हेल्प करूंगी। आप उसके बाद अपना वीडियो डाल दीजिएगा, मैं जल्द ही आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगी। तब तक हमारे साथ यूं ही बने रहिए। धन्यवाद।